हाय दोस्तों, मोबीटेक में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम आपके लाए हैं B310। तो इसका मॉडल नंबर है आपको B310E, ठीक है। तो प्रॉब्लम है हमारा कि सेट वाटर डैमेज हो गया था और सेट है डायरेक्ट शॉट, ठीक है। तो सबसे पहले वाटर डैमेज में, ठीक है, हम लोग इसको बीप रेंज में रख लेते हैं। देखिए, ये डायरेक्ट शॉट है, ठीक है, डायरेक्ट शॉट आ रहा है। तो हम लोग का वाटर डैमेज था और ये पूरी तरह से आप देख सकते हैं, देखिए इधर माइक्रोस्कोप में, ये पूरी तरह से डैमेज हो गया था, ये पूरा काला पड़ गया था। तो इसलिए मैंने इसको निकाल दिया कि हो सकता है यहाँ से डैमेज हो, लेकिन फिर भी शॉट हमारा नहीं गया, ठीक है। तो हमने सारा देखा, पूरा सेट क्लीन ही है, यहाँ से देखिए कॉम्पोनेंट मिसिंग है, तो ठीक है। तो ये फिर भी ये कॉम्पोनेंट किसी ने निकाला है, लेकिन फिर भी ये शॉट रिमूव नहीं हुआ है, देख सकते हैं ये शॉट, ठीक है, बहुत सारा कंपोनेंट शॉट है, ठीक है। तो हम लोग इसका सिंपली क्या करेंगे कि हम लोग इसको रजन से ढकेंगे, इसको रजन से ढक देंगे और फिर बैटरी लगा के देखेंगे। बैटरी से जो हमारा बैटरी है उससे हमको पता चलता है या इसे हाई एम्पियर, थोड़ा एम्पियर बढ़ा के देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग पूरा इसको ढक लेंगे, क्योंकि हमें शॉर्ट पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से है। और मैंने हाथ दे के देखा तो ये सीपीयू डायरेक्ट इसका गर्म हो रहा था। तो हम लोग देखेंगे सीपीयू आखिर गर्म क्यों हो रहा है, किस कंपोनेंट की वजह से गर्म हो रहा है, ठीक है। तो हमने इसे स्मोक से ढक लिया है, तो हम लोग बैटरी लगा के देखेंगे। तो बैटरी लगाने से क्या होगा कि आप देख नहीं पाएंगे कि क्या गर्म हो रहा है, ठीक है, क्योंकि बैटरी इसको ढक ले रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पावर सप्लाई देखिए हमारा, ये देखिए 4.2 और 3 एम्पियर पे मैंने रखा है। तो इसको हम लोग ये करेंगे और डीसी से हम लोग इसको प्लस दे देंगे। और आप माइक्रोस्कोप में देखिए, इसको आप क्लियरली देख पाइएगा माइक्रोस्कोप में कि हमारा शॉर्टिंग कहाँ से है, ठीक है। ये देखिए, मैं इसे एम्पियर इंजेक्ट करता हूँ इसमें, ये देखिए हमारा एम्पियर इंजेक्ट करने से क्या हो रहा है, ये हमारा कंपोनेंट एक शॉर्ट है, ठीक है। सिंपली इसको हम लोग निकाल लेंगे और फिर देखेंगे ये शॉर्ट हमारा रिमूव हो रहा है, ठीक है। देख सकते हैं आप इधर देख सकते हैं, ये हमारा शॉट है डायरेक्ट, ठीक है। देखिए बीप दे रहा है शॉट, तो हम लोग इसको निकाल लेंगे। आप चाहे इसे ब्लॉड से भी निकाल सकते हैं या आयरन से भी निकाल सकते हैं, तो मैं इसे आयरन से निकालूंगा। देखिए दो कैपेसिटर है सामने में, तो मैं इसे आयरन से हल्का सा इसे रिमूव कर दूंगा। देखता हूँ ये हमारा शॉट रिमूव होता है, ये 100% है कि रिमूव तो हो ही जाएगा, क्योंकि यही शॉट है, ठीक है। हमने इसे निकाल लिया है, अब सेट को थोड़ा क्लीन कर लेंगे। देखिए ये इसे निकाल लिया है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया बाहर, और इसे चेक करेंगे कि क्या शॉर्ट है क्या। जनरली कैपेसिटर सिर्फ थोड़ा सा वैल्यू लेके, देखिए डायरेक्ट शॉर्ट दिखा रहा है, देखिए ये हमारा बीप दे रहा है, ठीक है। तो हमारा 100% यही शॉर्ट है, हम सेट को थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे। तो ये हमारा क्लीन, और फिर चेक कर लेते हैं कि हमारा ये शॉर्ट हमारा रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ। ये देखिए हमारा, तो हम लोग इसको अब कंटिन्यूटी मोड में देखेंगे, ये हमारा डायोड मोड में कितना रीडिंग कितना आ रहा, एक तरफ 1600 आ रहा और एक तरफ 400, तो सही है हमारा, ये हमारा नॉर्मल हो गया। अब सेट को हम लोग ऑन करके देखेंगे हमारा सेट ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये देखिए सेट हमारा ऑन हो चुका है, तो बैटरी लूज हो गया, हम लोग फिर से ऑन करेंगे इसको। देख लीजिए सेट हमारा ऑन हो चुका है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो यूजफुल लगे तो शेयर करें, और चैनल अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बेल आइकन जरूर दबाएं कि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। धन्यवाद, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।